यशुअ हमशिया के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शालोम प्रेजीजो। मेरा यहोवा आपको बहुत आशीष और बरकत दे और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा अब्बा का उसकी दया के लिए, उसके फजल के लिए जिसके वसीले से हम उसके मुंह से निकले हुए पवित्र भाषा को सीख रहे हैं प्रियजीजो। और मैं विश्वास करता हूँ कि उसकी पवित्र भाषा को सीखना आपके लिए बहुत आशीष का कारण बन रही है। तो आए हम इसराइल के लिए, यरूशलेम के लिए शांति के लिए दुआ करें, जैसे कि भजन संहिता 122 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में लिखा है कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरी शहर पनाओं के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हो। और इसराइल की खोई हुई भेड़े इस वर्ल्ड में जहाँ जहाँ है, मेरा दुनोई यहोवा अब्बा उन सब का उद्धार करे, वो सब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें और यहोवा अब्बा के पास लौट आए। आमीन। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा प्रिय जीजों कि आप भी अपनी दुआओं में इसराइल को, यरूशलेम को जरूर याद रखें। मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिय जीजों। अब हम यहोवा अब्बा की मुंह से निकले हुए शब्दों को जो उसने मूसा से सनई के पर्वत के ऊपर बात की और अपनी पत्थर की तख्तियों के ऊपर उसने अपने 10 आज्ञाओं को अपनी उंगली से लिखा हुआ है, अपनी उंगली से लिखकर उसने मूसा को दिया उन पवित्र 10 आज्ञाओं को। प्रिय जीजो अब हम सीखने के लिए जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि वो 10 आज्ञाएं जब हम सीखेंगे और उसे अपनी दुआओं में हम बोलेंगे तो हम बहुत आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे प्रिय जीजो, क्योंकि ये वो कलाम है, वो शब्द है जो मेरे यहोवा अब्बा ने सिनाई पहाड़ के ऊपर, जब उस पूरे पहाड़ के ऊपर आग धधक रही थी और वो आग में से बोल रहा था, अपने लोगों से बातचीत कर रहा था, तो जब लोग उसकी आवाज को सुन रहे थे वो आशीषों को हासिल कर रहे थे प्रिय जीजो। और आज जब हम उसी पवित्र भाषा में, जिस भाषा में उसने अपनी 10 आज्ञाओं को, 10 कमैंडमेंट्स को मूसा को पत्थर की तख्तियों के ऊपर लिख कर दिया, उसी पवित्र भाषा में हम सीखेंगे प्रिय जीजो। तो आज हम पहले कमैंडमेंट के ऊपर सीखेंगे, फर्स्ट कमैंडमेंट, पहली आज्ञा के विषय में हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, निर्गमन 19 अध्याय को, उसके पहले वचन को, लिखा है यहोवा की हजूरी सनई पहाड़ के ऊपर उतरी और यहोवा ने इसराइलियों से कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों को मानोगे, जो मेरी दृष्टि में भला है उन्हें करोगे, तो तुम निज पृथ्वी के लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, तुम मेरे नजरों में याचकों का समास ठहरोगे। प्रिय अजीजो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एजुकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन या हमारी योग्यता हमें खुदा की नजरों में पवित्र साबित नहीं करती, हमें खुदा की नजरों में धन्य साबित नहीं करती। लेकिन यदि कोई चीज है जो आपको यहोवा की हजूरी में उठा सकता है, यदि कोई चीज है जो आपको यहोवा की नजरों में धन्य कह सकता है, वो यहोवा के वचनों की आज्ञा का पालन है। प्रिय जीजो यदि आप यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप यहोवा की दृष्टि में धन्य है। यहोवा कहता है, ऐ मेरे धन्य लोगो, तुमने मेरी आज्ञाओं को माना, मेरी विधियों को माना, मेरे हुक्मों को माना। यदि आप अब्राहम के विषय में पढ़े बाइबल के अंदर, जब हम उत्पत्ति 26 अध्याय उसके 4-5 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है यहोवा अब्राहम के विषय में गवाही देता है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मेहनी, मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को, मेरे हुक्मों को उसने माना। इस कारण से यहोवा कहता है, मैंने उसे सब बातों में आशीष दी है। तो प्रिय अजीजो ये यहोवा की वो आज्ञाएं हैं, वो हुक्म हैं जो उसने खुद सिनाई के पहाड़ के ऊपर लिखा है, अपनी उंगली से लिखकर उन पत्थर की तख्तियों के ऊपर लिख दिया। और ये जो तख्तियां थी प्रिय अजीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहोवा का दिल था। यहोवा अपने दिल की तख्तियों के ऊपर उन आज्ञाओं को लिखकर दे रहा था और यहोवा ये बताना चाहता था कि जैसे मैं अपने आज्ञाओं को, अपने हुक्मों को अपने दिल में रखता हूँ, अपने हृदय में रखता हूँ, मेरे पवित्र लोगों तुम भी मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखो, उसे अपनी आँख की पुतली जानो। तभी दाऊद कहता है, यहोवा मैंने तेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख लिया है। दाऊद ने इस बात को कहां से सीखा? उसने यहोवा से सीखा। उसने जाना कि यहोवा ने अपनी आज्ञाओं को कितनी अहमियत दी है, उसने अपनी पवित्र हुक्मों को अपने हृदय में रखा है।
इसीलिए दाऊद कहता है, यहोवा मैंने तेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इसलिए प्रिय अजीजों, ये वो आज्ञाएं हैं, वो हुक्म हैं जो यहोवा खुद उतरकर सिनै के पहाड़ के ऊपर अपने लोगों को देता है। तो आए हम इस आज्ञाओं को सीखकर यहोवा के बड़े नाम को जलाल दे, आदर दे। प्रिय अजीजों, तो आज हम पहले कमैंडमेंट के ऊपर है और इब्रानी भाषा के अंदर यहोवा ने जो सबसे पहली आज्ञा दी वो इस प्रकार से दी, अनाकी का अर्थ होता है प्रिय अजीजों एक, और अदनोई का अर्थ है यहोवा। अनाकी अदनोई यानी कि एक यहोवा को मानना, एक यहोवा की महिमा करना, एक यहोवा की स्तुति करना, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में पूरे कायनात को बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सिर्फ एक ही यहोवा है, उसको छोड़ और कोई भी नहीं है प्रिय अजीजों। इसीलिए वो चाहता है कि हमारी सोचों में, हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, हमारे कामों में यदि कोई रहे तो वो यहोवा अब्बा खुद रहे, वो उसके कलाम रहे, उसके हुक्म रहे, उसकी विधियां रहे, तभी हम यहोवा को सही मायने में प्रेम करते हैं और सही मायने में हम उसकी इस पहली आज्ञा का पालन करते हैं। यदि प्रिय अजीजों आपके विचारों में कोई और ही है, आपके ख्यालों में यदि कोई और ही है, यदि आप किसी और चीज को यहोवा से ज्यादा महत्व देते हैं, आपके मन के अंदर यदि सारा दिन संसार की बातें चलती रहती है या घर परिवार की ही बातें चलती रहती है, तो आप फिर इस पहली आज्ञा से चूक रहे हैं, क्योंकि जो चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है यहोवा के वचनों से, जो चीज हमें यहोवा के से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, वो फिर हमें यहोवा से दूर ले जाती है और वहां पहला हुक्म टूट जाता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय अजीजों, आप ख्याल रखें कि आप यहोवा को अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से उससे मोहब्बत करें, उसके कलाम आपकी आंखों में रहे, आपके हृदय के ऊपर रहे, आपके मन में रहे और रात दिन आप उसके ऊपर मनन करें। ना कि अदनोई एक ही यहोवा है और मुझे अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से उसे मोहब्बत करना है। जब आप गिनतियां निर्गमन 20 अध्याय 1-3 वचन को पढ़ते हैं, वहां यहोवा ने ये आज्ञा मूसा को दिया कि मैं तेरा एलोहिम यहोवा हूं जो तुझे दास के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया। याद रखना तुम मिस्र की गुलामी में मर रहे थे, याद रखना तुम पाप में मर रहे थे और तुम्हारा वजूद खत्म होने वाला था, तुम्हारा नामो निशान खत्म होने वाला था, पर यहोवा कहता है मैंने तुम पर दया करके तुम्हें मिस्र से छुड़ा लिया, अब तुम अपने आप के नहीं रहे पर मैंने तुम्हें मोल लिया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, इसलिए अब जीवन भर तुम मुझसे लिपटे रहना। गौर करें, हम भी एक समय पाप के गुलामी में थे, आत्मिक रूप से मिस्र के अंदर थे, गुनाह में आहें भरते थे, गुनाह में सांसें ले रहे थे, हमारी सांस खत्म होने वाली थी, हम मरने वाले थे, हम मिटने वाले थे, हम बर्बाद होने वाले थे, पर मेरे यीशु मसीह ने अपनी बड़ी दया से प्रिय अजीजों हमारा उद्धार किया, अपने लहू के द्वारा हमें बचा लिया और हमें मोल लेकर मुक्त कर दिया। इसीलिए आज हम जब अपने आप के न रहे पर दाम देकर मोल लिए गए हैं, यीशु मसीह ने हमारा मूल्य चुका दिया है, तो कितना जरूरी है कि हम अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ से अपने यहोवा अब्बा को मोहब्बत करें। प्रिय अजीजों, ये पहली आज्ञा है और यदि आपने इस आज्ञा को अपने हृदय में रखा, इस आज्ञा के ऊपर रात दिन ध्यान किया, इस आज्ञा के ऊपर आपने मनन किया, तो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहला वचन कहता है यदि तू अपने यहोवा अब्बा की सारी आज्ञाओं का पालन करेगा तो पृथ्वी की सब जातियों में तू श्रेष्ठ ठहरेगा। और प्रिय अजीजों, ये बात वो इज़राइल को बोलता है और हमने सीखा है, हमने जाना है कि हम इज़राइल में ग्राफ्ट इन किए गए हैं, इज़राइल में कलम किए गए हैं, हम आत्मिक रूप से इज़राइल हैं। इसलिए यदि हम उसकी इस आज्ञा को, उसकी इस हुक्म को मानेंगे प्रिय अजीजों, तो जरूर हम श्रेष्ठ ठहरेंगे और यहोवा की निज प्रजा, निज धन ठहरेंगे। और जैसे कि वो
व्यवस्था विवरण 6:4-5 में भी कहता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा एलोहिम एक ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको प्यास लगेगी यहोवा चट्टान में से आपके लिए पानी निकालेगा, जब आपको भूख लगेगी वो आपके लिए रोटी बन जाता है, जब आपको माँ की जरूरत है वो आपके लिए माँ बनता है, जब आपको बाप की जरूरत है आपके लिए बाप बनता है, जब जब आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो आपके लिए वो बनता है, जब आप बीमार होते हैं वो डॉक्टर बन जाता है, जब आप धूप में होते हैं वो बादल का खंभा बनता है, जब आप रात के अंधेरे में होते हैं वो आग का खंभा बनता है। यहोवा हमें प्यार करता है, जब हमें जैसी भी परिस्थिति में हो यहोवा हमारे साथ होता है। इसलिए प्रिय अज़ीज़ो, चाहे आप जिस परिस्थिति में हो, आप यहोवा को ना भूले, आप यीशु मसीह को ना भूले, पर अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से उसे लिपटे रहे, उसे प्रेम करे। ये सबसे बड़ी आज्ञा है, ये पहला हुक्म, ये पहली आज्ञा, अन्ना की अदनोई, एक यहोवा को मानना, एक यहोवा को जानना, एक यहोवा में अपना ध्यान लगाए के रखना, क्योंकि उसको छोड़ और कोई भी नहीं है। प्रिय अज़ीज़ो, सब आपको छोड़ जाएंगे, सब आपको त्याग देंगे, लेकिन मेरा यहोवा यीशु मसीह में हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपको संभालेगा, आपको बचाएगा, आपके साथ रहेगा। न दिन को धूप से, न रात को चांदनी से आपकी हानि होगी, यदि आप इस आज्ञा को अपने हृदय में रखेंगे और इसके अनुसार करेंगे, एक यहोवा के ऊपर रात दिन ध्यान लगाएंगे, एक यहोवा के ऊपर मनन करेंगे, यीशु मसीह को अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से मोहब्बत करेंगे, तो प्रिय अज़ीज़ो आप धन्य होंगे और स्वर्ग के राज्य में वो आपको कहेगा, ए मेरे बाप के धन्य लोगों, मेरी महिमा में संभागी हो, क्योंकि तुमने अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से मुझसे प्रेम किया है, तुमने अपने मन के अंदर मेरे हुक्मों को रखा, तुमने अपने प्राणों को मेरे लिए दे दिया, अपनी सारी सामर्थ्य से तुम मेरे हुक्मों पर चलते रहे, मेरे साथ लिपटे रहे। इसलिए मेरे बाप के धन्य लोगों, अब मेरी महिमा में संभागी हो, और हम उसके राज्य में प्रिय अज़ीज़ो आनंद मनाएंगे, महिमा और आदर का मुकुट पाएंगे। तो मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। जब हमने आज पहले हुक्म को सीख लिया है, अन्ना की अदनोई, एक यहोवा को मानना, तो आप इसे याद कर लीजिए और अपनी दुआओं में जरूर बोले, और मेरा यहोवा अब आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आप सबको शालोम, आमीन। यशवा हमशिया।